50 के बाद 25 की ताकत कैसे लाएं, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। लोगों की एक बार 50 की उम्र हो गई, वाइफ करीब करीब उस समय 45 साल की रहती है, 45-48 जो भी है, और फिर लोग बोलते कि अभी तो हम बहुत बड़े हो गए। गलत फहमियाँ बहुत रहती है इस बार, मैं हम तो बूढ़े हो गए, फिर अब तो क्या ये अच्छा नहीं दिखता, अभी क्या अलग अलग सोना, क्या बच्चे क्या बोलेंगे, अभी उनकी शादी होने वाली है वो क्या सोचते होंगे, हमने सेक्स करना क्या, मतलब इस तरह के लोगों की गलत फहमियाँ होती है। फिर लोग बोलते नहीं, 50 साल भी तो बूढ़े हो गए, कुछ कुछ लोग 55-58 साल मिलते भी तो रिटायरमेंट में आ गए, वाइफ का मेनोपॉज हो गया, और मतलब ऐसे सब निगेटिव विचार रहते हैं, और फिर उसमें फिर सेक्स की इच्छा नहीं होती। तो और इच्छा होती नहीं है, मगर हो सकता है कि औरत की इच्छा है और पुरुष की इच्छा नहीं है, पति की इच्छा नहीं है। हो सकता है कि गलत फहमियों के कारण इच्छा नहीं हो रही है या इरेक्शन नहीं आ रहा है, और फिर ये जो सेक्स लाइफ का जो आनंद लेना चाहिए वो ले नहीं सकते हैं, मतलब सेक्स लाइफ एंजॉय नहीं करते, तुमको लगता है कि ख़त्म ही हो गया क्या। और दूसरे कारण ऐसे होते हैं, फिर ये उम्र में लोगों को डायबिटीज़ हो सकता है, फिर ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसकी दवाइयाँ चालू है, थायराइड समझो है तो उसकी दवाई चालू है, तो ऐसे इसमें फिर उनको लगता है कि अभी तो बहुत दवाई चालू है और हम फिजिकली फिट नहीं है। अब ये सारे हो गए नेगेटिव पॉइंट। अब बताता हूँ पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तो पॉजिटिव पॉइंट ऐसे है कि 50 के बाद बच्चों का एजुकेशन काफ़ी हद तक पूरा होते आता है, उसकी आपने मतलब तजवीज़ करके रखी हुई है। हो सकता है कि अर्ली एज में बच्चे पैदा हो गए तो उनकी शादी भी हो जाती है, बच्चे सेटल हो जाते हैं, फाइनेंशियली आप फ्री हो जाते हैं थोड़ा बहुत, मेंटली आप शांति रहती है, क्योंकि बिजनेस रहो या सर्विस रहो थोड़ी शांति आ जाती है, स्ट्रेस कम होता है। और वाइफ का मेनोपॉज है तो उसको वो डर नहीं है कि भाई अभी बच्चा होगा क्या, ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी रहेंगे क्या, मतलब वो डर चले जाता है। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट है एक्चुअली, कि भाई 50 के बाद में सेक्स करना चाहिए और वो एंजॉय करना चाहिए। मैं धर्म ये बोलता हूँ कि भाई 50 के बाद में जब फ्रीडम मिलता है तब आपने सेकंड हनीमून को जाना चाहिए, 8-10 दिन निकालना चाहिए और पूरा सेकंड हनीमून में जाना चाहिए, तो सेकंड हनीमून मनाओ एक्चुअली। अभी लोग बोलते हैं नहीं नहीं अभी इरेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए आपने एक तो आपको दवाइयाँ चल रही है तो डॉक्टर से मिलो, दवाइयाँ बदल के ले लो, ताकि दवाई से यदि इरेक्शन का प्रॉब्लम आता होगा तो वो क्लियर हो जाएगी। बीपी की दवाई आप बदल सकते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि समझो आपको डिप्रेशन है उसकी दवाई चल रही है तो वो दवाई आप बदल ले सकते हैं, लाइक बुप्रोपियन जैसी दवाई है या ट्रेजोडोन जैसी दवाइयाँ हैं, तो ये एंटी डिप्रेशेंट्स है मगर ये उत्तेजना लाती है। अल्कोहल बंद, टोबैको बंद करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी शारीरिक स्थिति जो है वो कमज़ोर कर लेती है। आपने रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आप मेडिटेशन करते हो, आप हिप्नोथेरेपी करते हो, सेल्फ हिप्नोसिस करते हो, तो ऐसा सब ये आपने किया तो आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे। और यदि मेंटली और फिजिकली आप यदि फिट है कि भाई जॉइंट पेन नहीं है और बाकी बीमारियाँ कुछ नहीं है, मस्त एक्टिव है, अलर्ट है एकदम, तो फिर सेक्स में भी आप एक्टिव रहेंगे। मैंने अभी अभी एक वीडियो बनाया कि भाई आप शुगर खाना बंद कर दो, ऊपर से शुगर ऐड करना बंद कर दो, और शुगर यदि ऐड करना बंद करते हो वाइट ऊपर से वाइट शुगर, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स तो रहती है अपने खाने पीने में, तो यदि शुगर खाना आप बंद कर देते हैं 50 के बाद में, पूरा स्वीट नहीं, और 16 घंटे का फास्ट करते हैं, 16 आवर्स का फास्ट, मतलब रात को यदि आपने 9 बजे खाना खाया तो 9 के बाद 16 घंटे, मतलब सवेरे 9 तक हो गए 12 घंटे और 1 बजे तक हो गए 16 घंटे दोपहर को, मतलब आज 9 बजे खाना खाया रात को तो कल दोपहर को 1 बजे तब तक कुछ नहीं खाने का, 1 बजे खाना खाने का, तो ये 16 घंटे का है। और आप यदि 20 घंटे करते हैं 20 घंटे उपास तो बेस्ट, मतलब आज 9 बजे खाना खाया तो कल दोपहर को 4 बजे खाना खाने का, मतलब करीब करीब 7-19 5 बजे खाना खाना पड़ेगा 20 घंटे, मतलब आज 9 बजे तो कल दोपहर को 5 बजे 20 आवर्स फास्ट, तो बहुत ही फिट आ जाएंगे, क्योंकि इससे सेक्स हार्मोन्स के ऊपर अच्छा असर पड़ता है, आप फिट रहते हो, हल्के रहते हो, एनर्जी बहुत रहती है और आप सेक्स एंजॉय कर सकेंगे। इसके बाद में भी यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप दवाई ले सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज सकते हैं, दवाइयाँ भेज सकते हैं। मैं एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी ऐसी सब दवाइयाँ देता हूँ, जैसे जैसी आपकी कंडीशन है उस मुताबिक। सिलडेनाफिल, टाडालाफिल, अवेनाफिल, वर्दानाफिल यदि आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक एडिशन हो जाएगा ये सब करते करते, और आप आपका सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। यदि आप ये फिजिकल मेंटल फिटनेस रखते हैं ना, तो 50 की उम्र में भी आप 25 का स्टेमिना ला सकते हैं, इतनी गारंटी है। ये आपने किया और आपको कैसा लगा तो ये डेफिनेटली आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में
मेरे काफी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।